शिक्षा विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने 31 जुलाई से 6 अगस्त तक मनाए जाने वाला संस्कृत सप्ताह की सभी देश व प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि संस्कृत भाषा एक देव भाषा है जो जनभाषा हुआ करती थी। संस्कृत भाषा से भारत का गौरव है। इसी दृष्टि से हिमाचल प्रदेश सरकार संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है तथा प्रदेश सरकार का प्रयास है कि संस्कृत पुनः जनभाषा का स्वरूप ले। उन्होंने बताया कि भारत विश्व गुरु बने तथा परम वैभव की स्थिति तक पहुंचे, जिसके लिए संस्कृत का पढ़ना पढ़ाना और इसी के रूप अपना आचरण करना आवश्यक है। आज 31 जुलाई से 6 अगस्त तक विश्व भर में संस्कृत सप्ताह मनाया जाएगा। मैं अपनी ओर से, प्रदेश सरकार की ओर से सभी देशवासियों को, विशेष रूप से संस्कृत प्रेमियों को इस सप्ताह के लिए शुभकामना प्रेषित करता हूं। संस्कृत देव भाषा है, संस्कृत भारत की आत्मा है, संस्कृत जनभाषा थी, संस्कृत में भारत की आत्मा बसती है, संस्कृत से भारत का गौरव है। इसलिए हिमाचल प्रदेश सरकार संस्कृत को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प है। हमारा प्रयास है कि संस्कृत पुनः जनभाषा का स्वरूप ले, भारत विश्व गुरु बने, भारत परम वैभव की स्थिति तक पहुंचे, इसके लिए संस्कृत का पढ़ना पढ़ाना और इसी के अनुरूप आचरण करना आवश्यक है। मैं इस संस्कृत सप्ताह के अवसर पर पुनः एक बार सभी देशवासियों व प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं।